हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में हम एक अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल मिशन ऑफ इसरो, उस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पहले चंद्रयान 3, फिर आदित्य L1 मिशन। अब इस नए साल की शुरुआत इसरो ने एक्सपोस सैटेलाइट मिशन के लॉन्च से किया है। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन हैं जो इसरो के विजन में है, जो आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इसरो के अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल मिशन पे, एक्सपोस सैट के बारे में, कि आखिर इसे क्यों लॉन्च किया गया है, इंडिया का क्या पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या क्या इसके मेजर पर्पस है, क्या क्या इसके मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या इसमें पेलोड्स लगे हैं, क्या क्या चैलेंजेज हैं, और इस चैलेंजेज को कैसे ओवरकम किया जाएगा थ्रू द पेलोड्स। इस तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं विथ द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट इन शॉर्ट टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेस लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेट स्टार्स। तो बेसिकली क्या है कि जो यह लॉन्च किया गया है एक्सपो मिशन विथ द हेल्प ऑफ PSLV C-58, और यह PSLV का 60th फ्लाइट था जिसमें यह PSLV C-58 जो सक्सेसफुल हुआ है, और यह टोटल जो एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं वो 60th फ्लाइट था, और यह PSLV का DL वर्जन था, PSLV 4 स्टेज। अब इसके हेल्प से जो यह एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, आफ्टर 22 मिनट्स ऑफ लॉन्च ये जो PSLV है, जो जिसे इसरो का वर्कहॉर्स बोला जाता है, दिस PSLV पुट दिस एक्सपो सैटेलाइट इन लियो लो अर्थ ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 650 किलोमीटर फ्रॉम द एबव अर्थ सर्फेस। आफ्टर दैट इंजेक्शन दिस PS4 स्टेज जो 4 है इसका, क्योंकि ये जो PSLV लॉन्च किया गया वो DL वर्जन है और इसमें ये 4 स्टेज है, दिस PL4 स्टेज आफ्टर इंजेक्शन ब्रिंग्स डाउन दिस टू अराउंड 350 किलोमीटर फॉर स्टेबिलिटी एंड फॉर द बेसिकली द रिसर्च पर्पस। तो ये लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ PSLV, और इस लॉन्च के साथ ही इंडिया ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे दूसरा कंट्री है जो इस टाइप का कोई लॉन्च किया गया है। बिफोर दिस नासा ने अपना IXPE मिशन 2021 में लॉन्च किया था फॉर द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, मैग्नेट स्टार्स एंड पुलसर्स। आफ्टर नासा, इसरो बिकम द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन विच लॉन्चेज दिस काइंड ऑफ मिशन विद द हेल्प ऑफ PSLV C-58, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। फर्स्टली उसे 650 किलोमीटर के कह सकते हाइट पे रखा गया था। आफ्टर इंजेक्शन PS4 स्टेज ब्रिंग्स डाउन दिस टू 350 किलोमीटर अराउंड द एल्टीट्यूड और इन द लो अर्थ ऑर्बिट, जहां पे ये बेसिकली ये पूरा रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा, ये अपना वर्क करेगा। अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं इस फिगर में, आप यहां पे दिस इज द एक्सपो सैटेलाइट, ये पूरा उसका एक सिस्टम आपको दिखाया गया है जहां पे डिफरेंट इसके पेलोड्स हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सोलर एरे पैनल्स लगे हुए हैं, यहां पॉलिक्स रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक पैकेज है जिसमें सारे के सारे गैजेट इनपुट किए गए हैं। ये पेलोड व्यूइंग एक्सिस है जहां पे ये व्यू करेगा सिस्टम्स को। ये पॉलिक्स डिटेक्टर है जो इसका दो जो इंपॉर्टेंट पेलोड है उसमें से मेन इंपॉर्टेंट जो इसका डिटेक्टर है वो पॉलिक्स डिटेक्टर है। यहां पे प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जो लगा हुआ है उसको वो स्टडी करेगा, और साथ ही साथ यह डायरेक्शन टेबल्स लगे हुए हैं जो डिफरेंट रेज को एनालाइज करेंगे, उसके डायरेक्शन को एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली यह जो लॉन्च किया गया है टू मेजर द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मींस डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सरे। हम बात करेंगे डिटेल्ड में कि एक्सरे का पोलराइजेशन क्या मतलब होता है, कैसे ये होता है, उसके डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी यहां पे हम समझते हैं कि पोलराइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि एक्सरे का डिग्री और उसके डायरेक्शन, डिग्री मींस एंगल को मेजर करेगा और उसके डायरेक्शन को मेजर करेगा, ऑफ एक्सरे फोटॉन्स फ्रॉम 50 पोटेंशियल सेलेस्टियल सोर्सेस ऑफ इंटरेस्ट इन द एनर्जी बैंड ऑफ 5 to 30 KeV। इसका जो मिशन है, लाइफ है, वो 5 ईयर्स का है। प्लेटफॉर्म मॉडिफाइड IMS 2 बस,
पेलोड जो है वो पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सोपोलिक्स फ्रॉम रमन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और किस ऑर्बिट में है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट में है और इंक्लाइनेशन जो है वो अराउंड 30 डिग्री पे है इसका। तो ये तो एक इसका जनरल डिस्क्रिप्शन था। अब हम बात करते हैं इन डिटेल्ड ऑन द एवरी सिनारियो ऑफ दिस लॉन्च मिशन। पर्पस क्या है, फर्स्ट पर्पस की हम बात करें टू मेजर द पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे इन द एनर्जी बैंड ऑफ 8 to 30 केईवी इमिनेंटिंग फ्रॉम अबाउट 50 पोटेंशियल कॉस्मिक रे सोर्सेस थ्रू थॉमसन स्कैटरिंग बाय पॉलिक्स पेलोड। जो पॉलिक्स पेलोड है, जो दो इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे इसमें, पॉलिक्स पेलोड और एक्सपेक्ट पेलोड है। तो इसके हेल्प से, इस पॉलिक्स के हेल्प से मेजर करना है पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे इन द बैंड ऑफ 80 to 30 केईवी एंड टू कैरी आउट लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल स्टडीज ऑफ कॉस्मिक रे सोर्सेस इन द एनर्जी बैंड ऑफ 0.8 to 15 केईवी बाय एक्सपेक्ट पेलोड। ये जो दूसरा पेलोड है इसका, जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसका मेजर एम क्या है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट को यह स्टडी करेगा ऑफ स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल स्टडीज ऑफ कॉस्मिक रे, कि जो कॉस्मिक रे है उसका लॉन्ग टर्म में क्या उसके स्पेक्ट्रल और टेम्पोरल इफेक्ट्स होते हैं, उसकी कितनी एनर्जी होती है इन द बैंड ऑफ 0.8 to 15 केईवी, वह उसे स्टडी करेगा। टू कैरी आउट पोलराइजेशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोप मेजरमेंट ऑफ एक्सरे इमिशन फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेस बाय पॉलिक्स एंड एक्सपेक्ट पेलोड रिस्पेक्टिवली इन द कॉमन एनर्जी बैंड। और ये जो एनर्जी बैंड आप देख रहे हैं 0.8 to 15 केईवी और 8 to 30 केईवी, इस एनर्जी बैंड के मतलब बेसिकली जो नासा का आप देख सकते IXP जो मिशन था वह एक्सरे को हाई एनर्जी बैंड में मेजर किया था, लेकिन यह जो इसरो का मिशन है वह एक्सरे को लो एनर्जी बैंड में मेजर करेगा। दिस स्टडी इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स बिहाइंड दिस सेलेस्टियल बॉडीज। इस पूरे स्टडी से यह पता लग सकता है कि क्या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या क्या अदर फीचर्स है ब्लैक होल्स के, सेलेस्टियल बॉडीज के, क्या उसका जो डायरेक्शन है वो क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों एक्सरे पोलराइज्ड हो जाते हैं, इन तमाम बातों का यह स्टडी करेगा। बेसिकली क्या है कि जो उसके पीछे का जो फिजिक्स है वह उसे डिटेल में स्टडी करेगा। अब हम बात करते हैं जो पेलोड्स की, जो पहला पेलोड जिसे हम पॉलिक्स के बारे में बात कर रहे थे, पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे एंड एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। अब इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये दोनों पेलोड्स का क्या फंक्शन है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ कैसे है। तो यह जो डेवलपमेंट हुआ है, दिस डेवलपमेंट इज बेसिकली डन बाय टू बेंगलुरु बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसरोज UR राव सैटेलाइट सेंटर एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सपोसैट डेवलपमेंट बिगेन इन 2008 विथ अ फॉर्मल एग्रीमेंट साइन विथ इसरो इन 2015। तो बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई रिसेंट डेवलपमेंट था, इस पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लगभग 15 सालों से इस पर कंटिन्यू काम कर रहा था, आफ्टर दैट उसे यह सफलता मिली है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की जस्ट हम बात कर रहे थे, एक्सपोसैट इज द ओनली टू वर्ल्ड सेकेंड मिशन डेडिकेटेड टू एक्सरे पोलराइजेशन इन द मीडियम रे बैंड। नासा का जो इमेजिंग एक्सरे पोलामेट्री एक्सपेरिमेंट था IXPE लॉन्च्ड इन 2021 वाज द फर्स्ट सच मिशन बाय स्पेस एजेंसी। और इससे पहले सिर्फ नासा ही है जो ऐसा कुछ लॉन्च किया था। नेशनल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यह पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि इंडिजेनस कह नहीं सकते, इंडिजेनस ही पूरा मिशन है, हर एक चीज खुद से इंडिया ने डेवलप किया है। एक्सपोसैट विल बी इंडियाज थर्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी फॉलोइंग द रिसेंटली लॉन्च्ड सोलर मिशन आदित्य L1 एंड एस्ट्रोसैट व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2015। इट्स लॉन्च इज सीन एज अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस रिसर्च। तो बेसिकली क्या है, यह एक पूरा का पूरा नेशन का अपना खुद का एफर्ट है, एंडिजेनस टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ है, जो कहीं ना कहीं स्पेस सेक्टर में इंडिया के पावर को शो कर रहा है। अब यह पॉलिक्स क्या करेगा, जो दो इंपॉर्टेंट पेलोड थे देख लिया हमने कि यह इंडिजेनस ही डेवलप हुए हैं, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे डेवलप किया है। तो बेसिकली दिस इट इज एन एक्सरे पोलारीमीटर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन इन द एनर्जी बैंड ऑफ 80 to 30 केईवी। जो एनर्जी बैंड है 80 to 30 उसके अराउंड में जो एक्सरे इमिट होगा उसे यह स्टडी करेगा। द पेलोड इज बीइंग डेवलप्ड बाय रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट
इन कोलाबोरेशन विथ यू आर राव सैटेलाइट सेंटर इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व अबाउट 50 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ड्यूरिंग द प्लांट लाइफ टाइम ऑफ 5 years, जो इसका 5 साल का जो लाइफ टाइम इसमें डिटरमाइन किया गया है, उस दौरान यह 50 मेजर सोर्सेस से जो एक्सरे इमिट होंगे, जो उसमें पोलराइजेशन होगा, उसको यह बेसिकली क्या करेगा, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में उसको स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा. दिस इज द फर्स्ट पेलोड इन द मीडियम एक्सरे एनर्जी बैंड डेडिकेटेड फॉर पोलारिमिटी मेजर्स. और यह पहला पेलोड है जो कि मीडियम रेंज एक्सरे पोलारिमीटर को स्टडी करेगा. आप देख सकते हैं दिस इज द पॉलिक्स डिटेक्टर. ये पॉलिक्स आपका डिटेक्टर है जो कि स्टडी करेगा इन मीडियम रेंज. आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट आपका पेलोड है वह है एक्सपेक्ट, जो कि सिंपल सा है, इट इज एन एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड ऑन बोर्ड एक्सपोसैट विच कैन प्रोवाइड फास्ट टाइमिंग एंड गुड स्पेक्ट्रोस्कोपी रिजोल्यूशन इन सॉफ्ट रे सॉफ्ट एक्सरेज. तो बेसिकली क्या कर रहा है कि बहुत ही फास्ट टाइमिंग और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका एक काफी अच्छा रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा. इट कैन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ स्पेक्ट्रल स्टेट चेंज इन कंटिन्यूअम इमिशन चेंज इन दियर लाइन फ्लक्स एंड प्रोफाइल साइमल्टेनियस अलॉन्ग विथ लॉन्ग टेम्पोरल मॉनिटरिंग ऑफ सॉफ्ट एक्सरे इमिशन इन द एक्सरे एनर्जी रेंज 0.8 से 15 केवी. तो बेसिकली क्या है, इसका जो बैंड बंधा हुआ है, जो पॉलिक्स का हम बात कर रहे थे वो 8 से 13 कर रहा था, यहां पे जो इसका एनर्जी रेंज होगा वो 0.8 से 15 केवी का होगा. इट वुड ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ सोर्सेस सच एज एक्सरे पुल्सर्स ब्लैक होल बाइनरीज लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार इन एलएक्सएमबी एजीएनएस एंड मैग्नेट स्टार्स. तो ये भी क्या करेगा, डिफरेंट सोर्सेस से जो एक्सरे इमिट हो रहे हैं जिसका जो एनर्जी बैंड है 0.8 से 15 के ईवी रहेगा, उसे लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन इससे किया जाएगा. अंडरस्टैंडिंग एक्सरे पोलराइजेशन. अब पहले हम ये समझ लेते कि एक्सरे पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये पोलराइजेशन का मतलब क्या है. तो बेसिकली अगर हम एक्सरे पोलराइजेशन की बात करें तो आप इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हो. सिंपल सा है कि पोलराइजेशन का मतलब है कि जब रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन के बाद जो एक्सरे है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, वही आपका बेसिकली क्या है, पोलराइजेशन है. आप देख सकते हैं कि सपोज कर लीजिए यहां से यह लाइट का सोर्स है, यह जो नॉन पोलराइज्ड लाइट है, देख सकते हैं आप इसका जो डायरेक्शन है टू एंड फ्रो डायरेक्शन है, कुछ इस तरीके से जिगजैग मोशन में डायरेक्शन है. अब यहां पे एक पोलराइज्ड फिल्टर लगा दिया गया. अब जब यह जो लाइट रे है जब यह पोलराइज्ड फिल्टर से पास करेगा तो आप देख सकते हैं इनका जो डायरेक्शन है वह एक हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यह फ्लो करेगा. अब बेसिकली एक्सरे क्या होता है, तो बेसिकली यह भी एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका जो वेवलेंथ होता है वह 0.0 से लेके आपका 10 नैनोमीटर के बीच का जो वेवलेंथ होता है वह एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. अब बात करते हैं एक्सरे लाइक ऑर्डिनरी लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज व्हेन डिस्टर्ब्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो बेसिकली क्या है कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कब जनरेट होते हैं, जब जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज When electric charge disturbed by electric current or magnetic fields, X-ray differ due to their high energy, presenting challenges in handling compared to visual light. कि visual light के compare में हम अगर X-ray की बात करते हैं, जैसा कि medicals में भी बहुत ज़्यादा X-ray use होता है lights का, तो ये high energy band होते हैं इसमें, और जिसका wavelength 0.0 से 10 nanometer के बीच होता है. Directionality and polarization of X-ray. अब यहाँ पे ये समझने की बात है. The fluctuation in electric field of X-ray is directional. कि जो others जो light है वहां जो fluctuation होते हैं उसमें fluctuation अगर होता है तो वो किसी एक direction में नहीं flow करेगा. यहां पे fluctuation होने के बाद जो direction होगा किसी एक particular direction में जब जाता है तब हम उसे कहते हैं कि यह polarized X-ray है. And contingent on the motion of electric charge generating the wave. Polarization in X-ray refers to a specific direction. Please note this. Of this fluctuation
अनलाइक ऑर्डिनरी लाइट वेयर फ्लक्चुएशन डायरेक्शंस आर रैंडम ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन, कि यहां पे जो अदर लाइट्स होते हैं उसमें मॉलिक्यूलर मोशन के कारण फ्लक्चुएशन के बाद भी जो डायरेक्शन होता है वह चेंज रहता है, इधर उधर रहता है, जबकि यहां पे जो डायरेक्शन रहता है वह कंसंट्रेटेड रहता है, जैसा कि आप इस फिगर में आप देख सकते हैं। एक और मेथड से मैं आपको बताता हूं कि सपोज दिस, यहां पे कोई एक बल्ब है जहां से लाइट इमिट होता है, और जब लाइट इस तरीके से जिगजैग अदर डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन यहां पे अगर आप कोई पोलराइज्ड फिल्टर लगा देते हैं और जब यहां से यह निकलता है तब इसका जो डायरेक्शन होता है एक ही यूनिक डायरेक्शन में जब यह फ्लो करेगा तब इसे हम बोलते हैं कि यह एक्सरे जो है वह पोलराइज्ड एक्सरे है। मतलब सिंपल सा याद रखना है, रेफर्स टू द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ दिस फ्लक्चुएशन, कि फ्लक्चुएशन के बाद जो उसका डायरेक्शन होगा वह स्पेसिफिक होगा, और इसको अगर स्टडी किया जाए तो यह बहुत सारी चीजें रिवील कर सकती है कि क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारे ब्लैक होल्स के बारे में, या फिर जो कॉस्मिक सेलेस्टियल अदर बॉडीज है उसके बारे में, यह बहुत सारे जो स्टोरी अभी तक छिपी हुई है उसे रिवील कर सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है ऑफ एक्सरे पोलराइजेशन स्टडीज, क्या क्या एस्ट्रोनॉमिकल इंप्लीकेशन होंगे। एक्सरे पोलराइजेशन स्टडीज ऑफर एस्ट्रोनॉमर्स अ यूनिक टूल टू डायरेक्टली प्रोब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू देयर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि अगर आप डायरेक्ट इसको स्टडी कर सकते हैं तो यह कहीं ना कहीं आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करेगा इन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक पुलसर्स एंड रीजन अराउंड ब्लैक होल्स इमिटिंग एक्सरे दैट एक्वायर पोलराइजेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग बिकम क्रूशियल टारगेट फॉर एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स इंट्रिकेसीज, कि जो पुलसर्स है या ब्लैक होल्स है जब वह इमिट करती है एक्सरे दैट एक्वायर पोलराइजेशन, और उसमें जब पोलराइजेशन आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग और वह एक डायरेक्शन में जब फ्लो करती है, अगर उसको ये स्टडी कर लिया जाए तो यूनिवर्स के जो बहुत सारे इंट्रिकेसी अभी भी जो छुपे हुए ऐसे कुछ बात जो अभी तक रिवील होके नहीं आया या साइंटिस्ट उसकी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत ही हेल्पफुल होगा उसके आगे फर्दर स्टडीज में। इंपैक्ट ऑफ पोलराइजेशन इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज, कि ये सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में भी बहुत सारा और अधिक इंफॉर्मेशन मिल सकता है, स्पेशली इंसाइट इनटू द मैग्नेटिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, डिटेल्स अबाउट ब्लैक होल सराउंडिंग्स, कि जो ब्लैक होल का जो रीजन है उसके बारे जो सराउंडिंग एरियाज है, जो उसका इवेंट होराइजन है या फिर जो उसका ग्रेविटेशन है उसके बारे में भी डिटेल में पता लगाया जा सकता है। रीजन्स अराउंड ब्लैक होल वेयर मैटर स्पाइरल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क बिफोर स्कम्बलिंग टू द ग्रेविटेशनल पुट इमिट एक्सरे, ये भी एक्सरे इमिट करता है, तो अगर इसके यहां से जब एक्सरे इमिट हुआ और स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन के बाद यह पोलराइज्ड हो गया तो उसके डायरेक्शन को अगर हम पता लगाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके वेवलेंथ को स्टडी करते हैं, तो यहां पे बहुत सारे जो ग्रेविटेशनल पुल के बारे में जो रहस्य हैं वो खुल सकते हैं। इनिशियली अनपोलराइज्ड दिस एक्सरे एक्वायर पोलराइजेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन पोलराइजेशन बिकम अ क्रूशियल टूल फॉर एस्ट्रोनॉमर्स लाइक हाउ सनलाइट बिकम्स पोलराइज्ड आफ्टर इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, और ये कहीं ना कहीं इस टाइप्स के जो मैटर्स है कि सन का जो रे है वो कैसे पोलराइज्ड हो जाता है आफ्टर इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर, कि सन का भी रे वहां से निकलता है और जब हम देखते हैं कि वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद, जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा कि वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके बाद, तो यह कैसे होता है, वह कैसे पोलराइज्ड हो जाता है, इन बातों को भी वह रिवील कर सकता है। एग्जामिनिंग द पोलराइज्ड एक्सरे इन दिस कॉन्टेक्स्ट अलाउ साइंटिस्ट टू अनरेवल एसेंशियल डिटेल्स अबाउट स्ट्रक्चर एंड कंडीशन नियर ब्लैक होल्स, और जिसके कारण अगर ये चीजें स्टडी होती है तो ब्लैक होल्स के सराउंडिंग रीजन्स में क्यों ऐसा इन्वायरमेंट है, कैसे ग्रेविटेशनल पुल इतना हाई है, इवेंट होराइजन के पीछे का बहुत सारे और अदर रीजन्स जो है उसे रिवील किए जा सकते हैं। विल एक्सपेंड एस्ट्रोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग अगेन, कहीं ना कहीं यह जो टूल किट्स अवेलेबल हो जाएंगे एस्ट्रोनॉमर्स के पास तो एक और अधिक डिटेल्ड कह सकते हैं वो स्टडी कर सकते हैं अपना जो से कह सकते हैं उस फील्ड में सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में उन्हें और अधिक जानकारी मिल सकती है। चैलेंजेज क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन एक्सरे पोलराइजेशन स्टडीज, सबसे पहला जो चैलेंज है वो हाई एनर्जी कंस्टेंट,
कि एक्सरे जो है उनका एनर्जी लेवल काफी हाई होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मीडियम रेंज में हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो काफी हद तक उसे स्टडी किया जा सकता है। लेकिन इसका जो हाई एनर्जी कंस्टेंट है वह सबसे बड़ा चैलेंज है इसको स्टडी करने में। कलेक्टिंग कॉस्मिक रे पोजेज अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंज प्राइमरली बिकॉज देयर हाई एनर्जी मेक्स कन्वेंशनल मेथड ऑफ फोकसिंग सच एज यूजिंग लेंस फॉर विजुअल लाइट इम्प्रैक्टिकल। कि जो विजुअल लाइट के लिए लेंस वगैरह का यूज करके उसे स्टडी किया जाता था, एक्सरे के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट हैज वेरी हाई एनर्जी। अनलाइक विजुअल लाइट विच कैन बी डायरेक्टेड एंड कंसंट्रेटेड विथ लेंसेस, एक्सरे रिक्वायर अल्टरनेटिव मेथड फॉर ऑब्जर्वेशन ड्यू टू देयर पेनिट्रेटिव नेचर एंड हाई एनर्जी लेवल। और चूंकि यहाँ पे इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो काफी अधिक होता है और जो एनर्जी लेवल होता है वो काफी अधिक होता है, इसलिए इसमें अल्टरनेटिव मेथड्स की जरूरत है, जो कि इस मिशन में बहुत सारे चीजें इनकलकेट की गई हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर अनदर मेजर चैलेंज है। कैसे? अनदर सब्सटेंशियल चैलेंज अराइजेस फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर विच एब्जॉर्ब अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनकमिंग एक्सरे। और कहीं ना कहीं यहां चूंकि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है तो कुछ चैलेंजेस से फेस करने पड़ सकते हैं। द एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन मेक्स ग्राउंड बेस्ड एक्सरे ऑब्जर्वेटरी चैलेंजिंग एंड ऑफन अनरिलायबल। फ्यूल रेडिएशन एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेशंस, यहां भी अगेन कॉस्मिक रे प्रेजेंट अ चैलेंज ड्यू टू देयर रिलेटिवली फ्यूल नेचर। द फ्यूलनेस नेसेसिटेट्स हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्शन एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी टू डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे डिटेक्टर्स। कि अगर इसे डिटेक्ट भी करना है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसे हाईली सेंसिटिव और हाई पेनिट्रेशन पावर झेलने की क्षमता होनी चाहिए, देन ओनली वह पॉसिबल हो सकता है। प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो किए गए थे एट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी हैव इन्वॉल्व्ड बैलून बॉर्न एंड शॉर्ट लाइव्ड इंस्ट्रूमेंट, जो कि सक्सेसफुल नहीं है। इससे इस तरीके से आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, स्पेशली इन द लॉन्ग टर्म। हाउ कैन पॉलिक्स ओवरकम दी चैलेंजेस? पॉलिक्स कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम करेगा? तो बेसिकली क्या है कि पॉलिक्स का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन है। भले ही वो एक्सरे का ही हाई एनर्जी बैंड है, फिर भी इसका जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है वह उसे इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे डिटेक्ट कर सकता है। एंड दिस द चैलेंज, द इंडियन स्पेस मिशन एक्सपोसैट इंट्रोड्यूस अ यूनिक डिजाइन विथ पॉलिक्स एज इट्स प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। पॉलिक्स इज शेप्ड लाइक ए क्यूबिकल सिलेंडर फीचरिंग अ बेरिलियम डिस्क एट इट्स कोर फॉर कलेक्शन एक्सरे आफ्टर दियर स्कैटरिंग। की अगर एक्सरे किसी सोर्स से निकला और अपने एनवायरनमेंट में आने के बाद वह स्कैटर हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद वह पोलराइज्ड हो गया, तो उस पोलराइजेशन रे को इस बेरिलियम वाले डिस्क पे आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। द सक्सेस ऑफ पॉलिक्स ओ मच टू द विजन ऑफ विश्वजीत पॉल, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, हु विथ अ ब्लैक बैकग्राउंड इन एक्सरे रिसर्च इन्विजिनेट एट TFIR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उनका ही एक विजन था जिसे ये सक्सेसफुल बनाएगा। कंप्लीमेंट्री रोल ऑफ पॉलिक्स, पॉलिक फोकस ऑन लो एनर्जी एक्सरे कंपेयर टू नासा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च इन December 2021। जस्ट हमने डिस्कस किया कि नासा को जो रहा था IXP जो मिशन था वो थोड़ा सा हाई एनर्जी बैंड में उसको मेजर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पॉलिक्स है वो एक कंप्लीमेंट्री रोल प्ले करेगा, लो एनर्जी बैंड मीडियम एनर्जी बैंड में इसे मेजर करने की कोशिश है। कंप्लीमेंट्री नेचर ऑफ इंडियन एयर नासा इंस्ट्रूमेंट इनहांसेस द एबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स टू अनरेवल द नेचर ऑफ पल्सर्स एंड ब्लैक होल्स। सो बेसिकली ये था इसरो का एक्सपोसैट मिशन, और इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है वह सेकेंड कंट्री बन गया है जो इस तरीके के कोई मिशन लॉन्च किया है आफ्टर USA। और इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं कि बैक स्टोरी है बिहाइंड द सेलेस्टियल बॉडीज, ब्लैक होल्स, पल्सर्स, एक्सरे, वो सभी चीजों को रिवील की जा सकती है। और इसरो लगातार पिछले कुछ सालों से नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, मिशंस लॉन्च कर रही है, उसमें इस 2024 के शुरुआत के ही दिन में यह पहला मिशन है, और हमें होप है कि इससे बहुत सारी चीजें रिवील होकर बाहर आएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।